Hello kids, how are you all? I hope you all are well and safe at your home. I am Jyoti ma'am from Neera Global Kids. Let's start our today's session with prayer. So join your hands, close your eyes, speak with me. What we did in our previous video in maths? Yes, we did shape star, है ना? Star shape हमने किया था last video में page number 29. Now today's class work is take out your maths workbook. Open page number 5. This is your class work. So write here CW and mention the date. Color the picture according to the given color code. यहाँ पे ये जो picture दिया है उसमें हमें color करना है according to the given color code. Okay, यहाँ पे देखो ये कौन सा shape है? Circle. तो circle में कौन सा color है? Yes, red color. तो यहाँ से हमें circle shape find करना है और उसमें कौन सा color करना है? Only red color. ऐसे ही सारे शेप देखते जाना है और वही शेप में यहाँ पे वही कलर करना है. ओके, सो फर्स्ट शेप इज सर्कल, राइट? और हमें सर्कल में कौन सा कलर करना है? रेड. सो फाइंड द शेप सर्कल. वेयर इज द सर्कल शेप? दिस वन. दिस इज अ सर्कल शेप? नो. दिस इज अ सर्कल शेप? यस. तो सर्कल शेप में हम कौन सा कलर करेंगे? यस, रेड कलर. सो टेक अ क्रेयॉन रेड कलर और हमें ये सर्कल शेप में क्या करना है? रेड कलर करना है. क्या करना है? रेड कलर. ओके, पहले बॉर्डर कर देना है फिर कलरिंग. ओके, तो ये हमने कौन सा कलर किया? रेड कलर. अभी आपको दूसरा सर्कल शेप दिख रहा है कहीं पे? ये सर्कल शेप है? नो. दिस वन इज सर्कल शेप? नो. दिस वन? नो. दिस वन सर्कल शेप? नो. ओके, सो अभी हमें रेड कलर यूज कहीं पे भी नहीं करना है. ओके, सो उसको रख देना है. नाउ नेक्स्ट शेप इज ट्राइंगल. विच शेप इज दिस? ट्राइंगल. एंड व्हाट इज द कलर ऑफ ट्राइंगल? यहाँ पे ट्राइंगल में कौन सा कलर किया हुआ है? यस, येलो कलर, राइट? सो टेक अ क्रेयॉन येलो कलर एंड अभी हम क्या करेंगे? ट्राइंगल फाइंड करेंगे. ओके, वेयर इज द ट्राइंगल शेप? दिस वन इज ट्राइंगल शेप? यस. तो ये ट्राइंगल में क्या करना है? कलर. ओके, सो ये हमने इसमें कलर कर दिया. नाउ यहाँ पे भी देखो टू ट्राइंगल शेप दिख रहे हैं आपको? यस. तो उसमें भी आपको क्या कर देना है? कलरिंग. कौन सा कलर? ओनली येलो कलर, है ना? बिकॉज ये ट्राइंगल में हमें येलो कलर दिया है इसलिए हम इसमें येलो कलर ही करेंगे, राइट? और कलर बाहर निकलना चाहिए नहीं, राइट? सो हमने क्या किया? ट्राइंगल शेप जितने थे उसमें कौन सा कलर किया? येलो कलर. अभी येलो कलर हमें नहीं यूज करना है कहीं पे. ओके, नाउ थर्ड इज विच शेप इज दिस? यस, स्क्वेयर शेप. विच शेप इज दिस? यस, स्क्वेयर. एंड व्हाट इज द कलर ऑफ स्क्वेयर? ब्लू. कौन सा कलर है यहाँ पे? स्काई ब्लू, राइट? तो हमें
ये ब्लू कलर लेना है, लाइट ब्लू, और कौन सा शेप फाइंड करना है? स्क्वेयर. सो वेयर इज द स्क्वेयर शेप? दिस वन इज स्क्वेयर शेप. नो, दिस वन इज स्क्वेयर शेप. यस, तो हमें इसमें क्या करना है? ब्लू कलर करना है. ओके, पहले बॉर्डर फिल करनी है, राइट, ताकि हमारा कलर बाहर ना निकले, राइट. ओके, सो हमने यहाँ पे कौन सा कलर किया? ब्लू कलर. स्क्वेयर शेप में ब्लू कलर किया. नाउ फोर्थ इज, व्हिच शेप इज दिस? यस, इट इज अ रेक्टेंगल शेप. एंड व्हाट इज द कलर ऑफ रेक्टेंगल? यस, ग्रीन कलर. व्हिच कलर? ग्रीन कलर. तो टेक अ पैरोट ग्रीन कलर. ओके, लाइट ग्रीन होता है ना, वो कलर आपको लेना है. और किसमें ग्रीन कलर करेंगे हम? रेक्टेंगल शेप में. ओके, सो फाइंड द रेक्टेंगल शेप. दिस वन, यस, एंड दिस वन, बोथ. हमें ये दोनों में ग्रीन कलर करना है. ओके, सो कलर इट. ऐसे अच्छे से कलर कर लेना है. ओके, नाउ इसमें भी हमें ग्रीन कलर करना है, बिकॉज ये भी शेप कौन सा है? रेक्टेंगल, राइट. सो हमने रेक्टेंगल में कौन सा कलर किया? ग्रीन कलर. नाउ लास्ट इज, व्हिच शेप इज दिस? लुक एट हियर. Yes, oval. Which shape is this? Oval. And what is the color of oval? Yes, pink color. Which color? Pink color. So, color here, pink color. अभी एक ही shape है, वो कैसा दिख रहा है? Oval shape में, right? तो इसमें हमें कौन सा color करना है? Pink color. Right? तो ऐसे pink color इसमें fill कर देना है. Okay? सो ये हमने क्या किया? शेप्स में कलरिंग किया, राइट. यहाँ पे जो बॉक्स में शेप दिए थे उसमें जो कलर किया था वही यहाँ पे शेप फाइंड करके हमने वो शेप में वही कलर किया. तो फर्स्ट शेप कौन सा था? सर्कल. तो सर्कल फाइंड करके हमने उसमें क्या किया? रेड कलर, बिकॉज ये सर्कल में रेड कलर था. नाउ ये कौन सा शेप था? ट्राइंगल. तो ट्राइंगल में हमने कौन सा कलर किया? येलो कलर. नाउ दिस वन इज स्क्वेयर शेप. तो स्क्वेयर शेप में हमने कौन सा कलर किया? ब्लू इन कलर, राइट. नाउ रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल में हमने कौन सा कलर किया? पैरट ग्रीन कलर, राइट. नाउ लास्ट कौन सा शेप था? ओवल शेप. ओवल शेप में हमने कौन सा कलर किया? पिंक. सो अवर क्लास वर्क इज डन. नाउ किड्स, टेक आउट योर मैथ्स वर्कशीट, पेज नंबर 30, राइट. राइट योर HW, because this is your homework, and mention the date. Look at the picture of different things below. Match the things with their proper shapes. Okay, यहाँ पे objects दिए है, different things दी है, उसको हमें उसके correct shape के साथ क्या करना है? Match करना है. यहाँ पे objects है और यहाँ पे shapes है, उसको हमें करेक्ट शेप के साथ क्या करना है? मैच करना है. सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज, यस, पिज्जा. ये तो सबको पसंद होता है ना खाने में. तो ये क्या है? पिज्जा पीस है. क्या है? पिज्जा का पीस है. तो वो कौन से शेप में दिख रहा है आपको? दिख रहा है कौन से शेप में है? स्क्वेयर शेप दिख रहा है? नो, तो ट्राइंगल शेप है, राइट. कौन सा शेप होता है पिज्जा से? पिज्जा का, यस, ट्राइंगल शेप, राइट. सो फाइंड द ट्राइंगल शेप. वेयर इज द ट्राइंगल शेप? दिस वन. नो, दिस वन, यस. तो क्या करना है? ये पिज्जा पीस को ट्राइंगल के साथ मैच करना है, बिकॉज उसका शेप कौन सा होता है? ट्राइंगल, दैट्स वाई, राइट. नाउ सेकेंड इज
इरेजर, ये क्या है? इरेजर। सो हमें इरेजर का शेप देखना है। वो कौन से शेप में दिख रहा है? सर्कल शेप में दिख रहा है आपको? नो, देन यस, रेक्टेंगल शेप में है, देखो है ना, रेक्टेंगल शेप में। तो हमें कौन सा शेप फाइंड करना है? रेक्टेंगल। दिस वन इज रेक्टेंगल शेप, नो। दिस वन इज नो, यस। तो इरेजर को रेक्टेंगल शेप के साथ मैच करना है। नाउ व्हाट इज दिस? यस, वाटरमेलन। ये क्या है? वाटरमेलन। तो वाटरमेलन का शेप कौन सा होता है? जब वाटरमेलन हम कट नहीं किया हुआ होता है, पूरा होता है, तब वो कौन से शेप में दिखता है पता है आपको? ओवल शेप में दिखता है। कौन से शेप में दिखता है? ओवल शेप में। सर्कल में भी मिलता है, पर ज़्यादातर ओवल शेप में ही वाटरमेलन दिखता है हमें, है ना। तो हमें ये वाटरमेलन को ओवल शेप के साथ मैच करना है। दिस वन इज ओवल शेप, नो। दिस वन इज ओवल, राइट। सो वाटरमेलन को ओवल शेप के साथ मैच करेंगे। नाउ बटन। बटन का शेप कौन सा होता है? यस, सर्कल। सो हमें सर्कल के साथ इसको मैच कर देना है। ओके, नाउ ये क्या है? यस, कैरम। ये क्या है? कैरम। तो कैरम का जो होता है वो कौन से शेप में होता है कैरम? यस, स्क्वायर शेप। तो भी स्क्वायर शेप के साथ कैरम को मैच करेंगे। तो ये हमने क्या किया? यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स लिए थे उसके करेक्ट शेप के साथ क्या किया? मैचिंग किया। ओके, सो अवर क्लास वर्क होमवर्क इज डन। नंबर रिवाइज। ओके, आज हम फ्लैश कार्ड देखेंगे, ओके, नंबर्स के, राइट। सो विच नंबर इज दिस? वन। वन आफ्टर विच नंबर विल कम्स? यस, टू। विच नंबर इज दिस? टू। एंड टू आफ्टर विच नंबर विल कम्स? यस, थ्री। विच नंबर इज दिस? थ्री। थ्री आफ्टर फोर। थ्री आफ्टर फोर। एंड फोर आफ्टर विच नंबर विल कम्स? फाइव। फोर आफ्टर फाइव। एंड फाइव आफ्टर सिक्स। फाइव आफ्टर सिक्स। सिक्स आफ्टर विच नंबर विल कम्स? सेवन। सिक्स आफ्टर सेवन। एंड सेवन आफ्टर एट। सेवन आफ्टर एट। एट आफ्टर नाइन। एट आफ्टर नाइन। एंड नाइन आफ्टर टेन। विच नंबर इज दिस? टेन। टेन से हमारे कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं? टू डिजिट नंबर, वन टेन जीरो वन। दिस मेक्स नंबर टेन। टेन आफ्टर इलेवन, वन टेन वन वन। दिस मेक्स नंबर इलेवन। नाउ इलेवन आफ्टर ट्वेल्व, वन टेन टू वन। दिस मेक्स नंबर ट्वेल्व। नाउ ट्वेल्व आफ्टर विच नंबर विल कम्स? थर्टीन, वन टेन थ्री वन। दिस मेक्स नंबर थर्टीन। नाउ थर्टीन आफ्टर फोर्टीन, थर्टीन आफ्टर फोर्टीन। वन टेन फोर वन। दिस मेक्स नंबर फोर्टीन। फोर्टीन आफ्टर यस फिफ्टीन। वन टेन फाइव वन। दिस मेक्स नंबर फिफ्टीन। नाउ फिफ्टीन आफ्टर सिक्सटीन। फिफ्टीन आफ्टर सिक्सटीन। वन टेन सिक्स वन। दिस मेक्स नंबर सिक्सटीन। नाउ सिक्सटीन आफ्टर विच नंबर इज दिस? यस, सेवेंटीन। वन टेन सेवन वन। दिस मेक्स नंबर सेवेंटीन। नाउ सेवेंटीन आफ्टर एटीन। वन टेन एट वन। दिस मेक्स नंबर एटीन। एटीन आफ्टर विच नंबर इज दिस? यस, नाइनटीन। वन टेन नाइन वन। दिस मेक्स नंबर नाइनटीन। नाउ नाइनटीन आफ्टर विच नंबर विल कम्स? यस, ट्वेंटी। विच नंबर इज दिस? ट्वेंटी। टू टेन जीरो वन। दिस मेक्स नंबर ट्वेंटी। नाउ ट्वेंटी आफ्टर ट्वेंटी वन। टू टेन वन वन। दिस मेक्स नंबर ट्वेंटी वन। ट्वेंटी वन आफ्टर ट्वेंटी टू। टू टेन्स टू वन। दिस मेक्स नंबर ट्वेंटी टू। ट्वेंटी टू आफ्टर ट्वेंटी थ्री। टू टेन्स थ्री वन। दिस मेक्स नंबर ट्वेंटी थ्री। ट्वेंटी थ्री आफ्टर ट्वेंटी फोर। ट्वेंटी
4. 2 tens, 4 ones. 6 makes number 24. 24 after 25. 2 tens, 5 ones. 6 makes number 25. 25 after 26. 2 tens, 6 ones. 6 makes number 26. 26 after 27. 2 tens, 7 ones. 6 makes number 27. 27 after 28. Right? 2 tens, 8 ones. 6 makes number 28. 28 after 29. 2 tens, 9 ones. 6 makes number 29. 29 after 30. 3 tens, 0 ones. 6 makes number 30. 30 after 31. 31. 3 tens, 1 ones. This makes number 31. 31 after 32. 3 tens, 2 ones. This makes number 32. 32 after 33. 3 tens, 3 ones. This makes number 33. Now 33 after 34. 34. 3 tens, 4 ones. This makes number 34. 34 after 35. 35. 3 tens, 5 ones. This makes number 35. 35 after 36. 3 tens, 6 ones. This makes number 36. 36 after 37. 36 after 37. 3 tens, 7 ones. This makes number 37. 37 after 38. 3 tens, 8 ones. This makes number 38. 38 after 39. 3 tens, 9 ones. This makes number 39. 39 after 40. 4 tens, 0 ones. This makes number 40. 4 tens, 0 ones. This makes number 40. 40 after 41. 4 tens, 1 ones. This makes number 41. 4 tens, 1 ones. This makes number 41. 41 after 42. 4 tens, 2 ones. This makes number 42. 42 after 43. 4 tens, 3 ones. This makes number 43. 43 after 44. Which number is this? 44. 4 tens, 4 ones. This makes number 44. 4 tens, 4 ones. This makes number 44. 44 after 45. 4 tens, 5 ones. This makes number 45. 45 after 46. 4 tens, 6 ones. This makes number 46. 46 after 47. 4 tens, 7 ones. This makes number 47. 47 after 48. 4 tens, 8 ones. This makes number 48. 48 after 49. 4 tens, 9 ones. This makes number 49. 49 after 50. Which number is this? 50. 5 tens, 0 ones. This makes number 50. 5 tens, 0 ones. This makes number 50. तो आज हमने यहां तक नंबर बोले 1, 2, till 50 numbers, right? Okay, kids, now I tell you what is your today's classwork and homework. Maths classwork, page number 5 in your workbook. And your homework is page number 30 in worksheet. This is your classwork homework. Okay, kids, thank you. Namaskar. Stay home, stay healthy.